लखनऊ में एक उत्सव हुआ है जिसमें मेरे गुरुदेव का आराधना हुआ है। इसी कारण मेरी भावना चली है तो तू और मैं की बात ठनी है, लेकिन ये पूछने वाला कौन है कौन तू? रामचंद्र छोटा भाई तुमको शिक्षा नहीं दिए कि जब तुम श्रेष्ठ बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। देव पुराण कवि कोविद के मन इस वृत्त का कथन यही कि दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का कार्य नहीं। हाँ, तीसरा कब आ सकता है कि जब दोनों में से कोई एक निर्मल पर छुपल जाए तो तीसरे योगी का काम नहीं कि उन दोनों को समझाए, लेकिन तीसरा योग्य होना चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो क्या तू अपना गुरु से योग्य हुआ या फिर यह रामचंद्र है भोला लक्ष्मण? अब तू यह बताओ कि तू बीच में क्यों बोला? क्यों बोला? मूर्ख बोलो रे कृपाल काल बस बोलत तो ही।